नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार ऋषिकेश है और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। कोलन और रेक्टल कैंसर के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें कई समानता है और कई अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोलन, जो बड़ी आंत जिसको कहते हैं, वो लगभग 8 फीट के हिस्से में आता है और जिसके अंत में रेक्टम और उसके बाद एनल कैनाल होता है। एनल कैनाल की लंबाई 4 सेंटीमीटर और रेक्टम की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर आमतौर पर होता है। कोलन के भी एनाटॉमिकल पार्ट में 3 भाग होते हैं, जिसमें असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। इन दोनों कैंसर के प्रेजेंटेशन में जो समानता है वो यह कि ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेन होता है। तो पेशेंट एनीमिया से प्रेजेंट करता है, जिसके खून की मात्रा शरीर में कम होती है और कभी कभी यह आंत में रुकावट के तौर पर भी प्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गई प्रेजेंटेशन की बात। इसमें जो ट्रीटमेंट वाले पार्ट है उसमें भी महत्वपूर्ण अंतर है कि कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी और कीमोथेरेपी की रोल होती है। रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। रेडिएशन आमतौर पर कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज नहीं किया जाता है। समानता यह है कि दोनों में लगभग दवाइयां कॉमन है और कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, ये दोनों में लगभग सेम है। जहाँ तक इसके रिजल्ट की बात है, कोलन कैंसर का सर्वाइवल स्टेज वाइज रेक्टल कैंसर के स्टेज वाइज सर्वाइवल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन आमतौर पर दोनों के रिजल्ट को लगभग सेम नज़र से देखते हैं। धन्यवाद।